लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबर। खजुराहो लोकसभा क्रमांक 8 से कांग्रेस उम्मीदवार कविता सिंह नागिराज विक्रम सिंह ने चंदला विधानसभा 49 के पचौन चंदन सरवाई गौरीहार व बारीगढ़ मंडलों का दौर कर समस्त मंडलों में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कुंवर विक्रम सिंह नागिराज ने चंदला विधानसभा 49 को गोद लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में किसानों व बेरोजगार की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए उनकी सुविधा का ख्याल रखें व क्षेत्र की गरीबी की हार छोटी बड़ी समस्याओं से उनको अवगत कराएं। मंडल के कार्यकर्ता लोगों का पलायन रोकने की हर संभव कोशिश करें। उन्होंने लवकुश नगर को जिला बनाने की बात पर अमल करने की भी बात कही। आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ बुंदेलखंड शिव कुमार शिवहरे की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। हमारे महाप्रसाद जी ने भी खेलाई, गोपी मार साहब ने भी खेलाई, तना गोला गोला गरो भी हां, मैं सूदी सूदी बताओ नकल लो भाषण दे और सूदो सूदो बताओ ज्यादा अच्छा ले पहलो बताओ तो जो करने कि जैसो बताओ समझन न बताओ। एक तरफ झूठी को पुलंदा है, एक तरफ है सत्य। जवाब सही है, सत्य है कांग्रेस पार्टी की तरफ। सत्य ना हो तो सरकार का क्या मंत्री मध्य प्रदेश में? बात सही कह रहे हैं। 76 दिन में 86 जो वचन पत्र में वचन थे 86 वचनों का पालन हो चुका है। रहे और वचन, उनका पालन होगा, उनका क्रियान्वयन होगा, तो सुनिश्चित बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को जितने भी वचन पत्र में वचन लिखे हैं उनका मूर्त रूप देकर ही रुकेगी। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में इस अंचल में बुंदेलखंड के इस अंचल में बहुत दिनों से एक बात चल रही है, कि ये लवकुश नगर को जिला बनाया जाए। आप लोग सहमत हो? आप लोग चाहते हो कि जिला बने? तो भाई क्या मैं भी तैयार हूँ कि जिला। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।